है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दोस्तों, आज जब मैंने बुज द प्राइड ऑफ इंडिया के ट्रेलर को देखा ना, तो भाई इस ट्रेलर को देखते ही मैं पूरी तरीके से निशब्द हो गया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस ट्रेलर का व्याख्या मैं आप लोगों से कैसे करूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। दोस्तों, आज हम अपने देश में स्वस्थ और सुरक्षित है ना, तो उसके पीछे हमारे देश के वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि भैया वो हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश के वीर जवानों की बुराई करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे लोगों के लिए आप दो शब्द कमेंट के माध्यम से जरूर लिखना, जो कि हमारे देश के वीर जवानों की बुराई करते हैं और हमारे देश के वीर जवानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि भैया ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं हमारे देश में जो कि अपने देश के वीर जवानों के सम्मान में दो शब्द तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी बुराई करने में उन्हें कोई देरी नहीं लगती है। तो भैया ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई एक बार बॉर्डर पर जाओ और दुश्मन सेना के सामने अपना सीना ना चौड़ा करके दिखाओ कि भाई हम में भी है दम, तब हम मानेंगे कि भैया आप भी हो सिंघम। तो दोस्तों, वाकई में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का जो ये ट्रेलर आया है ना, इसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि काश ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती। यानी कि भैया ये फिल्म पूरी तरीके से डिजर्व कर रही थी कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज किया जाए। यानी कि भाई इस फिल्म का ट्रेलर इतना दमदार और इतना जोरदार है कि उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का जो प्लॉट है वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। यानी कि भैया अपने नापाक इरादों के साथ जब पाकिस्तानी सेना ने हमारी सरजमी पर पैर रखा था ना, तो उनके पैर को किस तरीके से हमारे देश के वीर जवानों ने उखाड़ फेंका था, उसी कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों, वाकई में इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर शुरू में जो बातें मैंने आप लोगों को कही थी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखते ही मैं पूरी तरीके से निशब्द हो गया हूं, तो वो बात बिल्कुल सही है। यानी कि भैया ये जो फिल्म है वो हर मामले में नंबर वन है। यानी कि कहीं पर भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि भैया इस फिल्म में कोई लूपहोल है, या फिर हम ये कहें कि भैया इस फिल्म का ये पार्ट बहुत ही कमजोर है। यानी कि भैया हर मामले में ये फिल्म सुपर से ऊपर, उससे भी ऊपर, यानी कि सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है मेरे भाई। यानी कि ये ट्रेलर देखने के बाद मैं ये बात बार बार आप लोगों से दोहराऊंगा कि इस फिल्म को क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। दोस्तों, इस फिल्म का हर एक सेक्शन इतना दमदार और इतना बेहतरीन है कि इसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। यानी कि भैया अगर हम लोग बात करें इस फिल्म के पहले शॉट की, यानी कि भैया वो जो सायरन वाला शॉट है, यानी कि भैया खतरे का सायरन बजता है वू टाइप का, उसके बाद में पता चलता है कि भैया पाकिस्तानी सेना जो है वो हमारी सीमा में घुस चुकी है। और भाई पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से हमारे देश में एंट्री मारती है और उसके बाद में भुज के उस एयरबेस को अपने लड़ाकू विमानों के माध्यम से निशाना बनाते हुए तोड़ती जाती है, और उसके बाद जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, हम नाकाम हुए, हम गिर गए, हम टूट गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यानी कि भले ही धोखे से अचानक ही पाकिस्तानी सेना ने
हमारे देश की सीमा को लांघने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़े देर के लिए कामयाब तो हुई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इस ट्रेलर में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि भैया हमारे देश के वीर जवानों के साथ साथ हमारे देश की आम जनता ने किस तरीके से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के पैर को उखाड़ फेंका हमारी सरजमी से, यह दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के ट्रेलर में। और यही बात हमें देखने को मिलेगी इस फिल्म में जो कि रिलीज होगी 13 अगस्त को। तो दोस्तों हर मामले में यानी कि भैया एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट तो आउट ऑफ द बॉक्स, डायरेक्शन वाला डिपार्टमेंट तो आउट ऑफ द बॉक्स। यानी कि भैया मैं तो सबसे पहले तारीफ करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर की जिन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म दी है। तो अभिषेक सर आपने वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, इस रियल इवेंट को हम लोगों के सामने रखा है। यानी कि भैया यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि अभिषेक दूधिया ने अपना सब कुछ लगा दिया है इस फिल्म को हमारे सामने रखने के लिए। यानी कि उनके पास जितने गुण थे, उन्होंने आज तक डायरेक्शन के जितने भी गुण सीखे हैं बॉलीवुड में, उन्होंने पूरा हम लोगों के सामने उलट के रख दिया है। यानी कि इस ट्रेलर को देखने के बाद हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि इस फिल्म में अभिषेक दूधिया ने अपना 100% नहीं बल्कि 1000% जो है डाल दिया है। और उसके बाद भाई फिल्म की कहानी और भाई डायलॉग, ओह ओह ओह, एक से बढ़कर एक डायलॉग। यानी कि भैया एक एक कलाकार का इंट्रो जिस तरीके से इस फिल्म में दिया गया और उनके डायलॉग जब हम लोगों के सामने आ रहे थे ना, तो भाई वो डायलॉग फाड़ू थे। यानी कि भैया अगर हम बात करें अजय देवगन की, यानी कि अजय देवगन का जब वो डायलॉग हम लोगों के सामने आता है कि भाई मराठा तो केवल दो ही बात जानता है, मारना या मरना। उसके बाद जब संजय दत्त का इंट्रोडक्शन होता हम लोगों के सामने, तो भैया उनका ये डायलॉग हम लोगों के सामने आता है कि कबीरा क्यों जंग का ऐलान है, आज खुदा खुद परेशान है। और उसके बाद संजय दत्त जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ाते नजर आते हैं उसको देखने के बाद, तो भैया संजू बाबा के लिए तो दिल में प्यार बढ़िया मेरे भाई, प्यार बढ़िया। और उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा, जिनको लेकर इन दिनों काफी कुछ कहा जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनको लेकर ये बातें कही जा रही थी कि उनका बहिष्कार किया जाएगा, तो भाई उनके इस अवतार को देखने के बाद ये जो बहिष्कार गैंग जो है ना वो कहीं दुबक के बैठ जाएगी। यानी कि भैया अपने गोद में एक बच्चा लिए सोनाक्षी की जब एंट्री होती है फ्रेम में और वो बोलती हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है, और उसके बाद वो किस तरीके से एक तेंदुए को मारती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसके बाद जब शरद केलकर का एंट्री होता है तो हम देखते हैं कि भाई वो एक बॉक्सर है और वो अपने बॉक्सिंग के गुण जो है वो दिखाते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी गरीब सेना के ऊपर में। और उनके इंट्रो के साथ ये डायलॉग हम लोगों के सामने आता है कि आओ आज हम सब खुद से वादा करें कि मौत से पंगा हम लेंगे। और उसके बाद जब नोरा फतेही का इंट्रोडक्शन होता है तो भैया उनका ये डायलॉग भी काफी भारी था, या खुदा तेरी अदालत में मेरी ये जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। वाकई में बॉस एक से बढ़कर डायलॉग है भाई इस फिल्म में। और भाई अगर मैं एक बात आप लोगों को गारंटी से बताना चाहता हूं कि भैया अगर ये फिल्म सिनेमाघर में लगती ना मेरे भाई, तो एक एक डायलॉग पर इतनी तालियां बजती, इतनी सीटियां बजती कि उसकी हम व्याख्या ही आप लोगों के सामने नहीं कर सकते। यानी कि भैया मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कि अगर ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती तो भैया रिकॉर्ड ही तोड़ती। और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी एक कॉमेडी वाला डायलॉग हम लोगों के सामने आता है कि पाकिस्तान का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहराएगा, तो बेटा तुम लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ये ख्वाब रह जाएगा, हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान अपने पापा के पास वापिस आ जाएगा। यानी कि भैया इस फिल्म में एक डायलॉग हमारे देश के गद्दारों के लिए भी है। यानी कि भैया पाकिस्तान ने जो ये कदम उठाया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ योगदान हमारे देश में रहने वाले गद्दारों का भी था। यानी कि एक गद्दार का खात्मा करते हुए जवाब देते हैं पाकिस्तान के जर्नल को हमारे अजय देवगन। यानी कि भैया पाकिस्तान का वो जो जर्नल है वो कोड वर्ड में कुछ ऐसी बातें कहता है कि ताजमहल प्यार की निशानी है, तो भैया इसके जवाब में अजय देवगन उस गद्दार को ठोकते हुए उस पाकिस्तानी जनरल को जवाब देते हैं, तो बेटा हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। तो दोस्तों वाकई में इस ट्रेलर ने तो दिल जीत लिया है। और भाई इस ट्रेलर को लेकर तो मैं एक ही बात कहूंगा कि बेटा ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म आनी बाकी है।
तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के ट्रेलर को यानी कि बुज द प्राइड ऑफ इंडिया के ट्रेलर को कितना स्टार देना चाहेंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे यह सवाल पूछोगे तो भाई मैं तो एक ही जवाब दूंगा कि मैं तो निशब्द हूं भाई। इस फिल्म की हम जितनी भी प्रशंसा करें कम है, और भाई ये जो फिल्म है वो स्टार से भी ऊपर है मेरे भाई, यानी कि इस फिल्म की तुलना कुछ स्टार से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहानी है हमारे देश के वीर जवानों की शहादत की। कैसे उन्होंने भैया अपना सब कुछ निछावर करके पाकिस्तान को भाई भेज दिया उनके रास्ते, जा बेटा जा पाकिस्तान जा, अगर यहां रहोगे तो भाई माफी मांगते नजर आओगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।